हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और जैसा कि हमने देखा लास्ट वीडियोस में कि फोर्थ चैप्टर तक हमारा एमसीक्यू से सहित पूरा कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सभी ने वो सारी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाकर पुरानी सभी वीडियोस को देख लीजिए, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर 5 का पार्ट 1, जिसमें हम जो चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। यहाँ पर आज हम बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। इन तीनों के बारे में आज हम जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा दोनों आधुनिक युग की मांगे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षा का केंद्र अलग होता है। इसमें बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। वही प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी की विचारधारा के अनुसार, इनके अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। वन लाइनर अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जो बालक पर केंद्रित हो, यानी कि जिसमें बच्चे की रुचि, प्रवृत्ति और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। और प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जहाँ पर उस बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है, यानी कि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके से उसका विकास किया जाता है, उसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। आई होप इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड में है काफ़ी ये टॉपिक इस बार। तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन स्थापित होता है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होती है। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी विकास से मतलब उसका चारों रूप से, जिसे कि हम एक तरीके से सर्वांगीण विकास ही बोल सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, चारों तरफ से उसका जो विकास होता है उसको हम चहुमुखी विकास कहेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है, यानी कि इसमें कहा जाता है कि बच्चा करके सीखता है, जब वो खुद काम करेगा उसको वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। यह आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं, उपयुक्त डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये डेफिनेशन दी है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी स्पेशली प्रगतिशील शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया है। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा और शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया है कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व होता है कि बालक के व्यक्तित्व का वो कहाँ तक विकास कर पाता है, और ये जरूरी भी है। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा एक बच्चे, एक टीचर आधारित ना होकर एक बच्चे पर, यानी कि बालक पर आधारित होती है कि बच्चा कितना सीख पाता है। चलिए नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। अब बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, सबसे पहले है प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। कहानी और कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत,
लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि यहाँ पर जनता में कौन आता है, बच्चे आते हैं, यानी कि बालकों का वर्चस्व हो, यानी कि हर एक बालक को इक्वलिटी के साथ देखा जाए। शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि भेदभावपूर्ण तरीके से। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि टीचर उन बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, उन बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है जो क्वेश्चन देने के काबिल होते हैं, और उन बच्चों को ज़्यादा नहीं ध्यान देता जो कमज़ोर होते हैं। तो हमें इस एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना है, उनको हमें सिखाना है, उनकी वीकनेस को पकड़कर उनको एक पॉजिटिव वे में शिक्षा देने का काम करना है। नेक्स्ट इज सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बालकों में उसके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। चयन का सिद्धांत। बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, अतः शिक्षक को शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने क्या-क्या देखा है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? और बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। 2 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और आई होप कि मैं एक वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, सेकेंड वीडियो भी, इसका सेकेंड पार्ट, और 3 पार्ट्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और 4th में हम इसके एमसीक्यू को डिस्कस कर लेंगे। चलिए ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।